नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। नॉर्मली जब हम सैटरडे संडे के बाद ऑफिस जाते हैं, मंडे को जो फीलिंग होती है ना यार, कौन जाए ऑफिस, कहाँ धक्कम धुक्की करो काम में, एग्जैक्टली वही मूड था इस एपिसोड का भी। एपिसोड स्टार्ट होते से ही, हालांकि जो वीकेंड के साइड इफेक्ट है वो तो आपने देखी, लेकिन जो नेक्स्ट डे की मॉर्निंग थी, हड़ताल शुरू कर दी थी। माहिरा वो शुद्ध हिंदी के अपने प्रवचन स्टार्ट कर रही है। घर में आग लगा दी थी पारस छाबड़ा ने, इसको माचिस बोला गया था सीजन के स्टार्ट में। माचिस पंती करी इसने, एक चिंगारी लगा दी और फिर खुद साइड में जाकर बैठ गया। इस एपिसोड में हमें आरती का एलियन पावर, उसके एंटीना में आज खूब सिग्नल आया भैया, ओपोजिंग कैप्टन जो बन गई है। हमने इस एपिसोड में सिद्धार्थ शुक्ला का एक चाची वाला रूप देखा, अतरंगी मुंह बना रहा है, खुद को मर्द बोलता है लेकिन हरकतें एकदम चाची पने थी। वो ऐसे ऐसे करके अतरंगी टाइप के मुंह दिखा रहा है। साथ ही साथ हमें यहाँ पर एक दोगला चेहरा देखने को मिला है, विकास गुप्ता का, शेफाली जरीवाला का। जब आपने देखा कि शहनाज गिल, जिसको ये आरती कह रही कि ये इसको सिड इसको अपनी बच्ची की तरह समझता है, भाई बच्चे के ऊपर कोई 100 किलो का भालू कूदे तो बच्चे की जान निकल जाती है, इतनी चिपकम चिपकी। अगर वो बच्ची समझता तो वो कंधे पे लेके घूमे, गोदी में लेके घूमे, उसके ऊपर कूद रहा है, कंबल में दंगल होता है, और ये कह रहे हैं कि बच्ची समझता है, दोस्त है। ये जब कूदा कादी एक दूसरे के ऊपर हो रही थी शुक्ला और सना की, वहां पर विकास गुप्ता ने और शेफाली जरीवाला ने कमेंट किया था, दे आर मैडली इन लव। लेकिन इस एपिसोड का जब एंड हुआ, जब मधुरिमा ये कह रही थी कि तेरे दो दो आशिक हैं पारस और शुक्ला, तो मधुरिमा को ज्ञान देने के लिए विकास गुप्ता आ गया था, जस्ट शट अप, कुछ भी मत बोला करो। तो विकास गुप्ता इतना जबरदस्त दोगला इंसान है, गिरगिट से जल्दी रंग बदल लेता है चुटकी बजा के, और लोग इसको मास्टरमाइंड बोलते हैं। चैनल इसको एक्चुअली मैं पोर्ट्रे करता मास्टरमाइंड के रूप में, हकीकत में ये जबरदस्त दोगला प्राणी है, झूठा प्राणी है। जब गलतफहमी के गुब्बारे फोड़ने की बारी आई थी तो मधुरिमा का गुब्बारा फोड़ा था और अपने अलग ही लॉजिक देता रहता, जबकि ये झूठ बोलता है, लोगों को यूज करता है। अब क्या है कि टीवी एक्टर्स है ना भैया, तो विकास गुप्ता के खिलाफ खुल के बोल नहीं सकते। अभी कोई आसिम जैसा तो है नहीं ना जो विकास गुप्ता से खुल के पंगा ले, क्योंकि उसको टीवी सीरियल वगैरह करने ही नहीं है, और जिन्हें टीवी सीरियल्स करने हैं वो गुप्ता की चाटते हैं। रश्मि देसाई को मैं कल कहा था, मैंने वुमन गार्ड खेलती है, और इस एपिसोड में भी वो जो इश्यू था जो कि वीकेंड पर दफन किया गया था, वो काफी खींच रही हैं। रश्मि का एक वीडियो मैंने ट्विटर पर शेयर किया है, आप चाहें तो मेरे ट्विटर पेज को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि कुछ क्लिप्स जो होती हैं वो मैं अपने यूट्यूब वीडियो में ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि कॉपीराइट लग जाएगा, क्योंकि आप तो इतने लोग मेरी वीडियोस को रिपोर्ट करते हैं और यूट्यूब को बस एक मौका चाहिए वीडियो उड़ाने का, तो मैं अपने वीडियो के साथ वो क्लिप ऐड नहीं कर सकता, तो आप मेरे ट्विटर या इंस्टाग्राम पेज पर वो क्लिप देख सकते हैं। रश्मि क्लियरली कह रही है अरहान को कि तुम सबसे लड़ लेना, विकास गुप्ता से मत लड़ना। विकास गुप्ता से क्यों नहीं लड़ना? क्या वो यहां पर, क्या पूरी दुनिया में उसका राज है क्या? अगर ऐसा है तो फिर आप लोग ऑब्जेक्शन लो ना भैया। मैंने तो सुना है कि सिंटा है अथॉरिटी, वही सब कुछ टीवी एक्टर्स वगैरह उनका जो रहता है उसको कंट्रोल करती है, समझाती है, लेकिन विकास गुप्ता, एकता कपूर, हाँ एक लॉबी है जो कि सिंटा को या जो ऑथराइज पीपल है उनको कंट्रोल करती है, इन्फ्लुएंस करती है, शायद इसीलिए गुप्ता हो या रश्मि हो या पीछे के सीजन में देखें, सब लोग पता नहीं क्यों गुप्ता से डरते हैं, लेकिन आसिम नहीं डरता। और आसिम ने जो कंबल खींचा था उसकी खुन्नस तो आपने देखी ली, वीकेंड पर गुप्ता को ही बना दिया जज, और उसने कहीं ना कहीं सारा ठीकरा आसिम के ऊपर फोड़ा था। शेफाली जरीवाला या विकास गुप्ता को अपने हाथों से खाना खिला रही है? शेफाली जरीवाला विकास गुप्ता की गोद में पैर रखकर भी बैठी है। जब से गुप्ता आया है इनका नागिन तेवर, मतलब पूरे तेवर ही बदल गए हैं शेफाली जरीवाला के, गुप्ता को अपने से दूर करती ही नहीं है वो, शायद इन्हें भी एकता कपूर किसी नेक्स्ट नागिन में काम करना। एनीवे वीकेंड का वार कंटिन्यू था, हमने प्रोमो देखा था कि सुनील ग्रोवर भी सलमान खान के रूप में आए हैं और घर में काफी कॉमेडी क्रिएट की, लेकिन एपिसोड में सब हटा दिया, सब कुछ हटा दिया। वीकेंड का वार में गलत फिल्म के गुब्बारे फोड़वाए गए और यहां हमें देखने को मिला एक जबरदस्त भेदभावपूर्ण रवैया चैनल का। अब ये तो मैं मान ही नहीं सकता कि सलमान खान को पता ही नहीं कि काम्या पंजाबी या बिंदु दारा सिंह किसको सपोर्ट करते हैं। काम्या पंजाबी और बिंदु दारा सिंह दोनों डे नाइट शुक्ला को ग्लोरीफाई करने में लगे हैं, यहां उन्हीं के ट्वीट हाईलाइट करवाए गए, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। मुझे कई तरह की न्यूज आ रही हैं कि कलर्स की जो फिक्शन हेड है
क्रिएटिव हेड है सॉरी, मनीषा नाम की, वो शुक्ला की वर्तमान करंट गर्लफ्रेंड है। और हमने कल के एपिसोड में सुना भी था, रश्मि के मुंह से एक बात निकली थी कि जो पीछे बैठी हुई औरतें हैं उनको समझना चाहिए कि कोई कितना सहे। तो चीजें मैंने कल भी कहा था कि बहुत ही प्री प्लान्ड लग रहा है मुझे रश्मि और शुक्ला का, और इस एपिसोड के अंदर आज भी हमें वही सब देखने को मिला। वही वही सब जो कि सलमान खान कल कह चुके थे कि क्यों खोल रही हो अपने अतीत को, लेकिन यहाँ रश्मि अपने अतीत के बातें निकाल रही है। शायद उसे पता है कि सलमान खान कुछ करेंगे नहीं, अपना जो दाग है वो खुद ही धोने पड़ेंगे, तो इस चक्कर में पुरानी बातें भी हो रही हैं। वहीं शुक्ला को ड्रग्स मिला नहीं है तो उसकी खुन्नस निकल रही कि अरहान ने मेरे ऊपर चाय कैसे फेंकी। हालांकि हमें उस टाइम नहीं दिखा था कि अरहान ने भी चाय फेंकी, लेकिन कहीं ना कहीं शायद थोड़ा बहुत है। मैंने क्लिप देखी जहां पर दिखाई दे रहा है कि अरहान के हाथ में भी एक छोटा सा बाउल है जो कि बाद में उसके हाथ में नहीं है। ये फेंकम फाकी में हुआ तो है, पर हमें एक चीज और देखने को मिल गई, शुक्ला कहीं ना कहीं उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि उसके ऊपर चाय कैसे फेंकी। चाय तो तूने भी फेंकी थी ना, रश्मि ने तो कमर पर फेंकी थी, तूने तो मुंह पर फेंकी थी। तो आई थिंक शुक्ला एक ऐसा प्राणी है जो कि सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। कल को तो ये किसी के मुंह पर एसिड फेंक सकता है, कल को तो ये किसी को जान ले सकता है, कल को तो किसी को भी मार सकता है, क्योंकि इसका गुस्सा इसके काबू में नहीं है। या तो कुछ ड्रग्स चाहिए, नशा चाहिए, जो उसको नहीं मिल रहा है तो ये तड़प रहा है। मैं अरहान को उठा के कांच के बाहर फेंक देता, ये फेंक देता। जब मुद्दा क्लियर हो गया, सारी चीजें सॉर्ट आउट हो गई हैं, उसके बाद आप इतना आग बबूला हो रहे हो। खैर, शुक्ला को समझाने के लिए सना पारस ये सब कुछ समझा रहे हैं उसको, और शुक्ला एक अच्छे चेले के हैसियत से उनकी बातें सुन भी रहा है, समझ भी रहा। वहीं जब नेक्स्ट डे की शुरुआत होती है, पारस ने लगाई चिंगारी, मायरा ने काम कर दिया बंद, एंड मधुरिमा ने सोचा जब मायरा नहीं कर रही तो हम क्यों करें भैया, हम क्यों करें। सही बात है। यहां पर पिक्चर में प्रकट होती है आरती, ठीक है, माहिरा काम नहीं कर रही है, आरती इज फाइन विद दैट, ऑलरेडी आसिम ने स्टैंड बाय के रूप में आरती को रखा था, ठीक है। लेकिन मुझे दिक्कत यह है कि जब आप माहिरा को कुछ नहीं बोल पा रही हो तो फिर आपको मधुरिमा के ऊपर भी कुछ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मधुरिमा के पीछे आरती जबरदस्त तरीके से पड़ी है, माहिरा नहीं कर रही है, ठीक है उसकी इच्छा, लेकिन मधुरिमा के लिए भी फिर आप 17 तरह की बातें कर रही हो विकास गुप्ता के साथ में खड़े होकर। एंड इस एपिसोड में तो आरती मतलब ऐसा था कि इतना सिग्नल आ रहे थे एंटीने में उसके कि मतलब पूछो मत। हमें इस एपिसोड में देखने को मिला सिद्धार्थ शुक्ला ने 3 महीने बाद पहली बार आरती को हक किया, आरती के लिए स्टैंड भी लिया। तो मेरा एक सवाल है सिद्धार्थ शुक्ला से, आज तो खैर इतनी कोई बातें हो भी नहीं रही थी, जब पारस छाबड़ा ने आरती के अंडरगारमेंट से लेकर उसके कैरेक्टर तक का असैसिनेशन कर दिया था, और जब आरती रोते हुए तुम्हारे पास आई थी कि तूने कुछ बोला क्यों नहीं, तो आपके शब्द थे कि मैं क्यों बोलूं। उसने बोला तूने भी बोला, तुम दोनों का है, मैंने क्या गोद ले रखा किसी को जो मैं कुछ बोलूं। लेकिन आज आप आरती को हक कर रहे हो, उसके लिए जबरदस्त स्टैंड ले रहे हो, क्यों ले रहे हो है? क्या फटी पड़ी है क्या तुम्हारे फैंस, ट्रेंड चला रहे शुक्ला से फटी पड़ी है क्या है? मुझे तो शुक्ला फैंस का लॉजिक ही समझ नहीं आता है, है? कभी कहते हैं शुक्ला से फटी पड़ी है क्या, फिर अगले दिन ट्रेंड करते हैं स्टॉप टारगेटिंग सिड। मतलब डिसाइड कर लो पहले कि उसकी फटी पड़ी है क्या, जिसलिए आप लोग बोलते हो कि स्टॉप टारगेटिंग हिम। जब उससे लोगों की फटी पड़ी है तो फिर लोगों को क्यों बोल रहे हो कि स्टॉप टारगेटिंग हिम। तो मैं कुछ दिन पहले कहा था, मैंने ठेकेदार है इसके शिट फाट के फैंडम के, वो कुछ भी एक ऊटपटांग हैशटैग क्रिएट करते हैं, चूतिए लोग, अंधे लोग, टूट पड़ते हैं, चलो। इतनी बुरी तरह फटी पड़ी उसकी नॉमिनेशन में आने के बाद से कि उसे पता है कि आरती बन चुकी है ऑपोजिंग कैप्टन, उसके पास कोई ना कोई पावर तो आएगी किसी न किसी को बचाने की। तो भैया मस्का पॉलिश है और कुछ नहीं है, आरती उसके लिए एक डोरमेट थी, डोरमेट है, डोरमेट रहेगी, और आरती को थूककर चाटने की आदत है। वो कितना भी कुछ कर ले वो शुक्ला की प्रायोरिटी में नहीं है, शुक्ला की प्रायोरिटी में सिर्फ सना है। और इस एपिसोड में अरहान का इविक्शन का जो प्रैंक खेला गया, बंदे के गुर्दे तो छिल गए थे, विशाल और अरहान बॉटम टू में आए। यार मेरे को एक बात याद आई है, जब लास्ट वीक बग्गा का नॉमिनेशन हुआ था, कई विद्वान कई एक्सपर्ट्स बोल पड़े थे बग्गा को इविक्ट किया जाएगा। बग्गा ने जब थाली पीट कर ये कांड किया था, और मैंने मेरे मिनी वीकेंड के बारे में बोला भी था कि इस वीक मधुरिमा या अरहान में से किसी को निकाला जाएगा, अरहान बॉटम में आ गया, वो जो एक्सपर्ट जो खुद को बहुत विद्वान बोल के चल रहे थे, कहीं ना कहीं उनको सोचने समझने की जरूरत है कि कुछ भी बोल दो
कुछ भी बगैर सोचे समझे, जब आपने लास्ट वीक देख लिया था कि ये पूरा एपिसोड बग्गा खा गई थी, तो कैसे निकाल देंगे उसको यार। वहीं ये जो बग्गा ने रात भर तमाशा किया था, मैं क्या बोल रहा हूं यार, क्यों बोल रहे हो डीएसके? सलमान खान तो सिर्फ फ्राइडे एपिसोड देखते, उन्हें तो पता ही नहीं होगा कि बग्गा ने ऐसा कुछ कांड किया भी है, लोगों के ऊपर पानी फेंक फेंक के लोगों को जगाया। सलमान को पता होगा तब तो कुछ बोलेंगे उनके। सलमान की होस्टिंग के बारे में तो मैं कल ही बोल दिया ना, उनको सिर्फ उनके जो 150 कैमरे वो सिर्फ आसिम और विशाल आदित्य सिंह के ऊपर ही हैं। कुछ भी होता, हाँ हाँ हमने देखा था, बाकियों के लिए विकास गुप्ता तुमने देखा था क्या? नहीं सर मैं नहीं था सर, मैं तो वहां पे चश्मा लगा के सब्जी काट रहा था, मुझे नहीं पता। अच्छा अच्छा सही बात है, नहीं था कुछ नहीं था फिर तो। ये तो भेदभावपूर्ण रवैया तो हम उनका कल ही देख चुके हैं, उनको पूरे वीक की हैपनिंग से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ फ्राइडे एपिसोड में जो हुआ या जो बता दिया। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी बोला जाता है हमारे यहाँ, लेकिन फिलहाल तो मजबूरी का नाम सलमान खान है। पिक्चर में दबंग, लेकिन बिग बॉस में हेल्पलेस बंदा। सो इस एपिसोड के अंदर कुछ बहुत सारी चीजें नहीं हुई, कामकाज की हड़ताल कर दी माहिरा ने, मधुरिमा ने, मधुरिमा इस एपिसोड के एंड में, दोस्तों मधुरिमा इस एपिसोड के एंड में भी काफी ज्यादा उन्हें दिखी है, हो सकता है वो नॉमिनेट है, फुटेज लेने की कोशिश है, लेकिन बंदी ने एंड में जो चीज बोली वो गलत तो बिल्कुल नहीं बोली है। हालांकि इस एपिसोड के स्टार्ट से लेकर एंड तक सना काफी अच्छी रही, उसने सही सही चीजों पर स्टैंड भी लिया कि ड्यूटी नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा, वो मायरा पागल है तो मधुरिमा तू भी पागल बनेगी क्या? लेकिन जो एंड में मधुरिमा ने बोला वो गलत तो बिल्कुल नहीं था ना। सना खुद कह चुकी कि वो पारस को प्यार करती है, उसके बगैर उसे अच्छा नहीं लगता, उसे अच्छा नहीं लगता कि मायरा को वो प्रेफर करे, लेकिन सना को सिद्धार्थ शुक्ला भी पसंद है। हाँ वो पारस के साथ शुरुआती पड़ाव के बाद से कभी कोजी वोजी नहीं हुई है, शुक्ला के साथ बहुत ज्यादा कोजी होती, यहां पर भी आरती पंच परमेश्वर बन के बीच में कूद पड़ी कि वो बच्ची जैसी है, उसको बच्ची जैसे ट्रीट करता है, वो बच्ची सो रही है उसके ऊपर 100 किलो का भालू कूद रहा है, कंबल में दंगल हो रहा है। एक नहीं 500 बार ऐसे क्लिप आ चुके हैं, मैं खुद अपने चैनल में वो फोटो तस्वीरें क्लिप वगैरह इंस्टाग्राम ट्विटर वगैरह पे ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। तो ये दोस्ती तो कहीं से कहीं तक नहीं है, और अगर ऐसी दोस्ती है, ऐसी दोस्ती है तो फिर आरती आपके साथ क्यों नहीं करता वो ये सारी चीजें है? आप तो उसकी बहुत पहले से दोस्त हो ना, आपको तो 3 महीने के बाद उसने अब हक किया है। सना को तो रोज करता है, चुम्मियां लेते हैं, पप्पी लेते हैं, सना तो लिपस्टिक लगा के आती है, चुम्मियां ले लेती, आप क्यों नहीं लेती हो दोस्ती में? आप भी तो दोस्त हो। तो ये जो दोस्ती की जो डेफिनेशन है ना, ये आरती सिंह किसी को ना बताए तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है? क्योंकि आपका इंडिविजुअल गेम जिसके ऊपर शुक्ला ने आपको इतना जस्टिफाई किया फैमिली फैमिली बोल के, ये फैमिली तब कहा गई थी जब पारस ने धज्जियां उड़ा दी थी, तब फैमिली नहीं दिखी थी, तब तो मैं किसी को गोद थोड़ी ले रखा मैंने। बात करता है बेवकूफ सारी बातें हैं इसकी बस, और इसके अंधे फैंस बस ग्लोरीफाई करेंगे। हाँ आरती को सपोर्ट किया, देखा देखा है दोस्ती निभाई, उस दिन कहां मर गया था जिस दिन वो रोते रोते आई थी, उसको एंग्जाइटी पैनिक अटैक हुआ था, तब ज्यादा जरूरत थी दोस्ती की, लेकिन नहीं मैंने कहा गोद ले रखा है क्या, हट कल मरती आज मर जा, ये एटीट्यूड था उसका। अब कल के एपिसोड में ये जो सिडना सिडना उसके गुब्बारे लेके चलते हैं, कल ये गुब्बारा उनकी गलत फहमी का गुब्बारा कल फिर टूटेगा, जहां सना फिर से एक फ्लिप मारेगी। और मैं समझ रहा हूँ सलमान खान या मेकर्स क्या करेंगे, इन लोगों का खेल ये खुद ही फोड़ डालेंगे, खुद ही एक दूसरे को एक्सपोज करके मर जाएंगे। आज कल जैसे शुक्ला और इसका होगा सना का, कुछ दिन बाद पारस और मायरा भी आपस में लड़ेंगे, एंड कल जो कैप्टेंसी टास्क होगी वो इंटरेस्टिंग लग रही है, लेकिन जिस तरह से खेल खेला जा रहा है ज्यादा चांसेस यही है कि वो टास्क रद्द होगी। देखते हैं कि कल क्या होता क्या नहीं होता। फिलहाल जो पिछले वीक के नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट हैं वो इस वीक भी नॉमिनेटेड रहेंगे, आसिम ऑलरेडी सेव हो चुका है, लेकिन ओपोजिंग कैप्टन अगर आरती को बनवाया है तो कुछ न कुछ तो होगा उसके हाथ में पावर। देखते हैं कल क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी रश्मि आरती बहुत पंचायत बहुत हुई है एपिसोड के अंदर, दोस्त से एक्सपेक्टेशन आपको याद होगा, कौन आए थे यार, अच्छा कुछ दिन पहले वो हिना खान और वो आया था प्रियंक, दोस्त बोला था इन्होंने आरती ने रश्मि को कि रश्मि तेरे से कोई नहीं खड़ा होगा ना, आई बी देयर फॉर यू। लेकिन आप कह रहे हैं कि मेरे दो दोस्त खड़े थे, मैं किसको सपोर्ट करूं? तो आरती कहीं ना कहीं क्या है कि भैया बगावती तेवर तो थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो शुक्ला से पंगा लेने के मूड में नहीं है, वो रश्मि को ही कहीं ना कहीं कह रही थी मैं क्यों सपोर्ट करूं, मेरे दोनों अच्छे दोस्त थे, तो आपने उस दिन क्यों बोल दिया कि मैं तेरे लिए खड़ी रहूंगी, बिकॉज मैं तेरी बाहर से भी दोस्त हूं, हमेशा मैं तेरे साथ खड़ी रहूंगी, तो ये दो दिन में क्यों नहीं खड़ी हुई, बीती बातें बुला देती ना, लेकिन नहीं।
लेकिन नहीं, आपको डोरमेट बन के रहना पसंद। सो ये है मेरा ओपिनियन इस एपिसोड की, मैं घटी घटनाओं के बारे में। माहिरा और मधुरिमा हड़ताल पे चले गए, आरती के एंटीना में जबरदस्त पावर आया, शुक्ला चाची मोड में चला गया, ड्रग्स की कमी पाई गई है उसके शरीर में, विटामिन डी यानी ड्रग्स की कमी, सना और शुक्ला का ये जो चिपकम चिपकी, इसके ऊपर मधुरिमा का एक एलिगेशन जो कि कहीं ना कहीं मैं सही मानता हूं ये दोस्ती के लक्षण नहीं है, दोस्ती हरगिज नहीं है। और अगर शुक्ला लड़कियों से इस तरह की दोस्ती रखता है तो फिर आरती के साथ ऐसी कोजीने से चिपकम चिपकी क्यों नहीं करता, वो उसके ऊपर क्यों नहीं कूदता जाके। आप कमेंट करके बताइएगा आपकी ओपिनियन इन तमाम बातों के ऊपर। तो आप कमेंट कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना डीएसके टॉक्स को। अपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।